दोस्तों सुबह सुबह आ गया आपका ये दागापुर जो ज्ञान ज्योति कॉलेज है यहाँ पे, तो ना वहाँ पे खड़ा था, बहुत गाड़ी का जो आवाज़ है ना वो बहुत आ रहा था, ठीक से बात नहीं किया जा रहा था, इसलिए थोड़ा इधर आ गया। इधर भी गाड़ी भी जा रहा है, बहुत तेज़ जा रहा है, लेकिन उधर से थोड़ा कम है जहाँ खड़ा था, इसलिए इधर आके बात कर रहा हूँ। अभी ना फिलहाल खड़ा हूँ यहाँ, ये देखिए ये इधर थोड़ा खाली खाली है, गाड़ी थोड़ा कम ही जा रहा है इधर से, तो इधर आप लोगों से बात करने में ना मज़ा आएगा, शांति से बात कर पाएगा, तो इसलिए इधर खड़ा हो गया। गर्म बहुत है भाई, मेरा जो गाड़ी का टेम्परेचर मीटर है ना ये 2 पॉइंट इधर उधर दिखाता है, उस हिसाब से ना अभी 40, 2 पॉइंट को अगर माइनस कर दे तो 38 डिग्री है टेम्परेचर, गर्म बहुत है, ये देखिए पसीने भी निकल रहे। तो इतना गर्मी में ना काम करने का मन नहीं करता है दोस्तों, तो आया था एक सवारी मिल गया था रिजर्व, इसलिए इधर आया। तो अभी जाते वक्त अगर रास्ता में कोई मिलेगा तो लेते हुए जाएगा, आया तो बहुत दूर हूँ और मेरा बेटे का स्कूल का टाइम भी हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके अपना सिटी में पहुँचेगा। ये देखिए इधर से ना एक दो ई रिक्शा जा रहा है, लेकिन जहाँ मैं गया था ना वहाँ गाड़ी का हॉर्न का आवाज़ बहुत तेज़ है, ठीक से बात नहीं किया जा रहा। 2 मिनट भी नहीं हुआ दोस्तों मोबाइल इधर रखा, वो ऊपर से धूप आ रहा है इसलिए ना बहुत गर्म हो गया मोबाइल, तो इधर रख नहीं पाएगा मोबाइल को। तो दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ हो गया खड़ा, क्योंकि ये जगह ना थोड़ा शांत है और छाव भी है, और ये जो पटरी दिख रहा है ना रेल लाइन का पटरी, ये दार्जिलिंग टॉय ट्रेन जाने वाला पटरी है, और ये रहा मेरा गाड़ी, छाव में खड़ा कर दिया क्योंकि धूप की वजह से ना उधर खड़ा होया नहीं जा रहा था, इसलिए थोड़ा इधर आया। इधर का लोकेशन जो है ना थोड़ा अच्छा है दिखने में, तो इसलिए इधर मैं थोड़ा कुछ देर के लिए रुका था। देखिए रास्ता भी कितना सुंदर है और पेड़ से भरा हुआ है रोड, इसकी वजह से ना रोड में कहीं कहीं जगह पे छाव भी है। और अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ ना, मेरा पीछे कुछ ही देर में दिखिएगा वो टॉय ट्रेन जाने वाला जो रेलवे लाइन है उसका एक ब्रिज भी पड़ता है छोटा सा, तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ अभी दागापुर मंदिर की तरफ, तो उस तरफ मैं जा रहा हूँ क्योंकि गर्मी की वजह से रोड खाली। यही है वो ब्रिज, देखिए वो पीछे जो दिख रहा है यही है टॉय ट्रेन वाला ब्रिज, जो ट्रेन जो है दार्जिलिंग की तरफ जाता है, छोटा सा ट्रेन है उसमें 2 बग्गी लगा हुआ रहता है। ये देखिए दोस्तों गर्म कितना पड़ा है मैं दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा मोबाइल की स्क्रीन, यहाँ पे ना सर्च कर लेता हूँ लाइव वेदर रिपोर्ट, ओके हाँ वेदर आ गया, रिपोर्ट इन सिलीगुड़ी, हाँ देखिए नीचे लिखा भी है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल 38 टेम्परेचर, और इसमें देखिए टाइम दिया हुआ है कितने बजे से कितने बजे तक कितना गर्म रहेगा, देखिए 6 बजे तक रहेगा 37, 7 बजे होगा 35, 8 बजे होगा 34, 9 बजे होगा 33, 10 बजे होगा 32, और टेम्परेचर घटेगा लास्ट कितने बजे दिखाता हूँ, देखिए ये 29 हो रहा है सुबह को 3 बजे के बाद, और नीचे ना ये दिन भी डाला गया कौन सा दिन कितना से कितना तक रहेगा वो सब डाला गया, देखिए सोमवार को रहेगा आपका 35 से 27 डिग्री का बीच में, जो भी हो टेम्परेचर बहुत गर्म है भाई। ये देखिए लिखा है लाइव वेदर सिलीगुड़ी, तो मैंने अपना शहर का दिखाया भाई, बहुत गर्म है